झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से मतदान चल रहा है। रायपुर दक्षिण में दोपहर 1 बजे तक 28.37% मतदान हो चुका है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। ये बता दें आपको, एमपी की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। एमपी में बुधनी और विजयपुर में मतदान हो रहा है, तो वहीं रायपुर दक्षिण में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। विजयपुर में दोपहर 1 बजे तक 54.86% मतदान हो चुका है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं बुधनी में दोपहर 1 बजे तक 51.16% मतदान हुआ है। वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनाव जारी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव जारी है। वायनाड में दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 27.04% मतदान अभी तक हुआ है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहा है, जिसमें मतदान चल रहा है। तो वहीं इसमें झुंझुनू में 35.71%, रामगढ़ में 45.40% मतदान हो चुका है। तो वहीं खीसवर में 26.67% और सलुम्बर में 40.03% मतदान हुआ है। 84 में 40.95% और दौसा में 32.17% वोटिंग अभी तक कुल हुई है। देवली उनियारा में 37.78% मतदान अभी तक कुल हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव आज हो रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों में सिताई में 45%, मेदिनीपुर में 46.18% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। आपको बता दें, नेहाटी में 39.75% और हारोवा में 47.10% मतदान हुआ है। मदारीहाट में 46.24% और तलनडांगरा में 48% मतदान अभी तक हुआ है। इसके अलावा बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी मतदान आज चल रहा है। बिहार में तरारी में 30.90% और रामगढ़ में 34.43% मतदान अभी तक हुआ है। बेलागंज में 35.51%, इमामगंज में 38.17% मतदान हो चुका है। तो वहीं असम में भी 5 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, असम के धोलाई में 44.05% और सिदली में 49.82% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। बोंगाईगांव में 50.32%, तो वहीं बेहाली में 55.60% मतदान हुआ है। सामगुरी में 31.65% मतदान 1 बजे तक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कर्नाटक की सीटों में चन्नपटना में 48.15% और शिगगांव में 43.50% वोटिंग हुई है। तो वहीं संदूर में 43.46% मतदान दर्ज किया गया है दोपहर 1 बजे तक। गुजरात में वाव सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। गुजरात में भी 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें दोपहर 1 बजे तक 39.12% मतदान हुआ है। आपको बता दें, ये हम आपको पूरा इलेक्शन ब्रेकिंग बता रहे हैं। जब मेघालय के गांबेगरे में विधानसभा उपचुनाव आज हो रहा है, आज गांबेगरे में दोपहर 1 बजे तक 49.30% मतदान दोपहर 1 बजे तक दर्ज किया गया है। तो वहीं केरल के चेलकर्रा सीट पर भी विधानसभा चुनाव उपचुनाव हो रहा है आज। आपको बता दें, चेलकर्रा में दोपहर 1 बजे तक 44.35% मतदान दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। बता दें आपको, 10 राज्यों में की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। इसके साथ ही एमपी की 2, छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी की 2, छत्तीसगढ़ की 1 में, जिसमें रायपुर दक्षिण सीट में दोपहर 1 बजे तक 28.37% मतदान हुआ है। तो वहीं विजयपुर में दोपहर 1 बजे तक 54.86% मतदान हो चुका है। बुधनी में दोपहर 1 बजे तक 51.16% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई। वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनाव जारी है। वायनाड में दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 27.04% मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता दें, वायनाड में दोपहर 1 बजे तक 27.04% मतदान हुआ है। तो वहीं राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इन उपचुनाव में झुंझुनू में 35%, तो वहीं
रामगढ़ में 45.40% मतदान हुआ है, खींसवर में 26.67% और सलूमबर में 40.03% मतदान हुआ है, चौरासी में 40.95% और दौसा में 32.17% मतदान दर्ज किया गया है। देवली उनियारा में 37.78% मतदान हुआ है। 1 बजे तक का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की भी 6 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सिताई में 45%, मेदिनीपुर में 46.18% वोटिंग हुई है, नेहाटी में 39.75% और हारोआ में 47.10% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मदारी हाट में 46.24% तो वहीं तल डांगरा में 48% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई ये सारी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तरारी में 39.90% और रामगढ़ में 34.43% मतदान हुआ है।